हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं जिन भी स्टूडेंट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल में एडमिशन लिया है, उनके इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट हो गए हैं आज से। उन्हें उनके जो इंटरनल असेसमेंट है वो ऑनलाइन MCQ की फॉर्म में हो रहे हैं। उन्हें एक डैशबोर्ड दिया गया है, उस पर लॉग इन करना है और वहाँ पर अपने MCQ का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है। बट अगर आपको लॉगिन करने में दिक्कत हो रही है, आपका लॉगिन फेल्ड हो जा रहा है, तो आप क्या करें एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम की टाइमिंग है, उसके बाद अगर आपने दिया तो वो वैलिड नहीं रहेगा, दे ही नहीं पाएंगे आप वैसे। तो अगर आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करें, आज की वीडियो में हम वो बात करने वाले हैं। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं अगर आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो आपका लॉगिन हो ही जाना चाहिए, लेकिन अगर बाई चांस किसी रीज़न से नहीं हो पा रहा है तो DU सोल ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट करी थी कि अगर फॉर एनी टेक्निकल असिस्टेंस रिगार्डिंग ऑनलाइन MCQ बेस्ड IACA प्लीज़ कॉल ऑन दीज नंबर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए, मतलब कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, ग्लिच वगैरह, या किसी वजह से आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको क्लियर करने के लिए आप इन ये कुछ नंबर्स दिए हैं आपको, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल करके ट्राई कर सकते हैं, आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाएगी और आपका लॉगिन हो जाएगा। तो आप इन्हीं नंबर पर कॉल करके कभी भी पता कर सकते हैं, अगर एक नंबर बिजी हो तो दूसरे नंबर पर कॉल कर लीजिएगा और आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा दी जाएगी कि आपको कैसे लॉगिन करना है। आज की वीडियो में इतना ही, मैं वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा। आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और लोगों को भी इसकी हेल्प हो सके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।